أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس أجبا أن نوحينا إلى رجل منهم وننظر الناس وبشر الذين وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَنَالُوا مَقْدَمَ السِّلْقِنِ إِنَّ رَبَّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّهَا زَالَ سَاهِرُونَ مُبِينٌ अभी आपके सामने आयत नंबर एक और आयत नंबर दो की तिलावत की गई यह है सुराय यूनुस आज हम दसवीं सूरत में दाखिल हो गए हैं सुराय तौबा को खत्म किया हमने पारा यात्रा है यानी पारा नंबर ग्यारह या तज्र और अब हम या तज्र में आज यूनुस की तलावत करेंगे आज हम करेंगे आयत नंबर एक से आयत नंबर पाँच तक की तलावत सो एक और दो का तर्जुमा देखते हैं ये जिस तरह आप यहाँ देख रहे हैं यूनुस में कुल एक सौ नौ आयात हैं वन हंड्रेड नाइन आयात हैं मक्के में नाजिल हुई इसमें कुल ग्यारह रुकू हैं तो इस तरह की मालूम सारी सूरत शुरू होने से पहले ही ऊपर लिख दी जाती है तो इसमें कितनी आयात हैं एक सौ नौ आयात हैं मक्के में नाजिल हुई मक्की सूरत है और आज हाँ आप करेंगे एक से ले कर पाँच तक कुछ थोड़ा सा इसके मायने देखते हैं जो हमने दो तर, आयात की तलावत की अलफ़िला ये आयात ऐसी किताब की हैं जो अलकीम है दिल का किताबिल हकीम ये आयात ऐसी किताब की हैं जो हकीम हैं हकीम माने हमत वाली हैं नसीहत वाली हैं दानिश से भरी हुई हैं अकान लन्ना से अजबन क्या है ये बात इंसानों के लिए ताजुब का सबब ये कि वही भेजी है हमने एक आदमी की तरफ इन्हीं में से कि ख़बरदार करो इंसानों को और ख़ुशखबरी दो उन लोगों को जो ई मान लाएँ यकी मकाम यानि सच्चाई का ऊँचा मरतबा है उनके रब के पास जबकि कहा काफिरों ने कि यकीनन ये शख़्स तो है जादूगर खुला इस आयत नंबर दो की शान नज़ुल ये है कि इब्ने अब्बास रजील तन नकल करते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का दावा किया तो कुफार ये कहने लगे कि अल्लाह सुबाना तहत तो अज़ीम शख्सियत है और हजूर रकम सल्लम महज एक बंदा है यानी बशर है तो जब वो इस कस्म की बातें कर रहे थे उस वक्त ये सूरत मक्के में नाजिल हुई और अल्लाह सुबहान कुफार को जवाब दिया कि इंसानों के लिए ताजुब का क्यों सबब है कि हम वही भेज रहे हैं एक आदमी की तरफ़ यानि हज़र वसलम की तरफ उन्हीं में से एक है जो वो खबरदार करेगा इंसानों को और खुश तो इस तरह उनके तमाम का और तमाम कुफ़ार के

़ालकुमल्लाबा बुदोफल फ़ला करो यकीनन तुम्हारा रब वही अल्लाह है जिसने खल़ किया आसमान और ज़मीन छः दिनों में फिर मसवी फिर मस्तवी हुआ बैठा अर्श पर और चला रहा है निज़ाम तदब्बुर के साथ पूरी कायनात का नहीं है कोई शफा शफात यानी सिफ़ारिश करने वाला मगर उस अल्लाह की इजाज़त के बाद यही है अल्लाह तुम्हारा रब तो बंदगी करो तुम उसी की फिर तुम नहीं हासिल करोगे नसीहत क्या फिर भी तुम ईमान नहीं लाओगे अल्लाह पर अल्लाह अल्लाबान बता रहे हैं कि क्या तुम अब भी तमाम अपनी सफ़ात बताई अल्लाह मियाँ ने कि वो हस्ती है जिसने ख़ल किया आसमान को और ज़मीन को छः दिनों में और वो आसमान पर अर्श पर बैठा ये तमाम नज़ाम कायनत चला रहा है तो क्या तुम उसकी बंदगी करोगे या नहीं करोगे नसीहत तुम हासिल इससे आयत नंबर चारूल शराब इम वीम बिमा कानू यंबर चार का तर्जुमा देखते हैं इसी की तरफ लौट कर जाना है तुम सबको ये वादा है अल्लाह का बरहक यानी सच्चा यकीनन उसने इब्तदा की तख्ली की फिर वही दोबारा दोहराएगा तख्लीक़ तुम्हारी ताकि सिला दे उन लोगों को जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक किए उनको उनकी जजा मिलेगी इंसाफ के साथ और कुफ्र किया जिसने कुफ़ किया इनकार किया दीने हक़ का जिन्होंने उनके लिए उनके लिए क्या सज़ा है पीने को मिलेगा खोलता हुआ पानी और अजाबनलीम दर्दनाक सज़ा ये किस वजह से یہ وجہ ہے جو انہوں نے کفر کیا یعنی يعني انکار کا رویہ اختیار کیا دین حق سے آیت نمبر 5 هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الايات لقوم يعلمون वही हस्ती अल्लाह है जिसने बनाया सूरज को रोशनी देने वाला और चांद को रोशन और मुकम्मर मुकर की मंजिलें इनके लिए ताकि मालूम करो तुम गिनती सालों की और हिसाब तारीखों का नहीं पैदा किया अल्लाह ने ये सब कुछ मगर बिलहक यानी तदबीर के साथ और बयान करता है तफसील के साथ अपनी आयात यानि निशानियाँ इन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं सो अल सुबह आयत में भी अपने तमाम जो अहकाम हैं उनका खुल्लम खुल्ला और बरहक़ ऐलान फरमा रहे हैं और कह रहे हैं कि वही हस्ती है अल्लाह जिसने बनाया सूरज को और चाँद को फिर मंजिलें मुर्र कंता साल और हिसाब के तारीखों का महीनों का हिसाब किताब रख सको सो अल्ला ताला हर जगह पर अपनी निशानियाँ बताकर यही सवाल करते हैं क्या तुम अब भी अल्लाह को नहीं मानते क्या तुम अब भी अल्लाह की बंदगी नहीं करोगे तो फिर हर जगह पर इस सवाल के बाद कुफ़ार के लिए या अजाबुन अलीम यानी दर्दनाक सज़ा की वईद मौजूद है तो आज हमने किया सूरत यूनस को शुरू यूनस इसमें कुल आ, एक सौ नौ आयात हैं मक्के में नाजिल हुई और आज हमने किया एक से पाँच तक सद्जीम